Welcome or welcome back to my YouTube channel. It's Vasna Thakur, and if you are new here, don't forget to subscribe to my channel. So, आज मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ दशहरे को. एंड मैं अभी डिनर करके आई हूँ इसलिए मेरी इतनी सांस फूल रही है. तो मैं जा रही हूँ दशहरे को. मैंने पिछले साल दशहरा स्किप किया था एंड मेरे को यहीं पर ही सेलिब्रेट किया था. सेलिब्रेट तो क्या मतलब, ऐसी रामायण सी हुई थी, प्ले हुआ था, फोर्थ ईयर वालों ने किया था पिछले साल कॉलेज में, बस वो हुआ था हल्का सा. एंड मैं कुल्लू नहीं गई थी, बट इस बार मैं जा रही हूँ. जा मैं बहुत कम दिनों के लिए रही हूँ, मैं सिर्फ 3 दिन के लिए जा रही हूँ. मतलब मैं फ्राइडे को जाऊँगी, फिर सैटरडे संडे मंडे 3 दिन रुकूँगी और ट्यूसडे को वापस आ जाऊँगी. सो प्लान तो यही है. एंड मेरी फ्रेंड भी मेरे साथ आ रही है, अंजलि. आप लोग तो उसको जानते ही हो. एंड उसके पेरेंट्स ना बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है. उसको कहीं नहीं भेजते, कहीं नहीं भेजते. इस बार पता नहीं कैसे चमत्कार हो गया है कि वो आ रही है मेरे साथ. एंड हम लोगों को खुद को यकीन नहीं हुआ था, मेरे को और अंजलि को, जब उसकी मम्मी ने हाँ बोल दिया उसको भेजने के लिए. हम दोनों थोड़ी देर ऐसे डिलेमा में ही थे कि कहीं आंटी झूठ तो नहीं बोल रही. अभी थोड़ी देर बाद बोलेगी कि नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी बोल के, पर ये सच है, वो भी आ रही है मेरे साथ. एंड हम लोगों को सबसे अच्छी बात तो ये है, जो मेरा फ्रेंड ऋषभ है, वो आजकल ऋषभ विशु, वो दोनों आए हैं शिमला पढ़ने, तो हम उनके साथ जाएंगे. मतलब वो लोग भी आए, ऋषभ गाड़ी लाया अपनी, तो हम गाड़ी में ही जाएंगे. एंड विशु मैं ऋषभ, अंजलि और ऋषभ का कोई कज़न है, हम 5 जाएंगे शायद गाड़ी में. मेरे को मच्छर गई, मैंने मच्छर पकड़ा है. दिखाओ उड़िया. तो क्या होता, तो उस करके वैसे मुझे ज़्यादा पता नहीं, मुझे बस अपना विशु का, ऋषभ का और अंजलि का पता है कि हम 4 तो है ही है, बाकी नहीं मुझे पता उसका कज़न आएगा नहीं आएगा. तो हम लोग जा रहे हैं घर को. मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हो रही थी शहर में जाने की, क्योंकि जब मैं छोटी थी ना, मैं सोचती थी, जब मेरी बुआ वगैरह नर्सिंग कर रहे थे तो वो स्किप करते थे दशहरे को आना, तो मैं हमेशा सोचती थी ऐसे करके, यार ये कैसे स्किप कर रहे हैं, मतलब दशहरा इतना, मतलब साल भी एक बार आता है, इतना बड़ा फेस्टिवल है, मतलब ये कैसे स्किप कर रहे हैं. पर जब मैं खुद नर्सिंग में आई तब मुझे पता लगता है कि कैसे स्किप कर रहे हैं, कैसे छुट्टियाँ नहीं मिलती और कैसे मतलब नहीं आ पाते हैं हम लोग. तो वैसे करके मुझे बड़ी मुश्किल से इस बार जाने को मिला है, सो मैं जा रही हूँ. आई एम सो हैप्पी, सो गॉड डैम हैप्पी. एंड साथ में अंजलि आ रही है, इसके लिए तो मुझे और भी खुशी हो रही है. सो अभी तो मैंने कुछ पैकिंग वगैरह नहीं किया, अभी हम पैकिंग वगैरह करेंगे, फटाफट डिसाइड करेंगे क्या लेना है क्या नहीं लेना है. ओके गाइस, सो मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगा था डिसाइड करने में, बट मैंने अपने दोस्तों की हेल्प से, भावना और प्रज्ञा की मेरी हेल्प करने, उनकी हेल्प से डिसाइड कर दिया कि मैं क्या क्या पहनने वाली हूँ. एंड नाउ वी आर गोइंग टू पैक, लेट्स डू आवर पैकिंग. ओके गाइस, मेरा बैग पैक हो गया एंड वो कपड़े जो मैंने अभी जाते हुए लगाने हैं, अब करेंगे हम अपना ज्वेलरी और स्किन केयर पैक. मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मैं भूल तो नहीं रही. बाकी चलो, जो चीज़ें मैंने घर को ले जानी है वो तो मैं अगली बार ले जाऊँगी दिवाली टाइम, दिवाली की छुट्टियों में. बाकी आई डोंट नो. और गाइस, आज पता है आज मेरी बुआ की एंगेजमेंट थी और मुझे भी जाना था, बट मैं एक दिन में नहीं जा सकती थी इतनी जल्दी छुट्टी लेके. सो हम उनसे मिलने जाएंगे संडे को, क्योंकि संडे को दिल्ली वापस चले जाएंगे, तो संडे को उनसे भी मिलने जाएंगे हम लोग. पर अभी फिलहाल देखती हूँ कि मैं कुछ भूल तो नहीं रही हूँ और मुझे कुछ डालना तो नहीं. गुड मॉर्निंग, सो इट्स द नेक्स्ट डे एंड आज मुझे जाना है घर. आज तो मेरी नींद भी नहीं गई. अभी हम करने वाले हैं सफाई फटाफट, अभी 7:15 ऐसे कुछ हो रहा है. एंड मेरे बहुत हालत ख़राब हो गई है, ठीक ही नहीं हो रही, ठीक ही नहीं हो रही. मैंने बी कॉम्प्लेक्स भी खाया और रसोई भी लगाया, वो जो धूप नहीं होता, धूप का वो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जो जल जाता है, मतलब धूप का जो धूल धूल सी होती है, काइंड ऑफ, क्या पता उसको यार, अब मुझे वर्ड नहीं आ रहा है. मैंने वो भी लगाया, मैंने ग्लिसरीन लगाया, पर तब भी कुछ ठीक नहीं हुआ. बट अब घर जाके देखेंगे डायरेक्ट, बट अभी पहले करेंगे हम सफाई, क्योंकि मेरे बेड की हालत ठीक नहीं है. बेडशीट वगैरह ठीक करेंगे एंड थोड़ी पूरी सफाई करेंगे जाने से पहले. सो लेट्स डू इट. हे गाइस, हमने कपड़े चेंज कर दिए, अब हम जा रहे हैं
ऋषभ आ गया लेने हमें इधर ही कॉलेज तक, मैंने उसको लोकेशन सेंड की थी, सब हम जा रहे हैं, लेट्स गो। अब तो एडिट भी कैसे करेगा। हम ऑट पहुंच गए हैं, अभी हमने ऑट टनल क्रॉस कर दिया, हम कुछ खाने जा रहे हैं क्योंकि हमें भूख लगी है और हमने डिनर नहीं किया है, सो लेट्स गो। गॉट ब्लू भाई, वैसे हमारा डिनर देखो आप, जंक खा रहे हम, ठीक है। देखो गाइस मम्मी को डरा दिया था, मम्मी सो गई, मैं कुरा आज आज जाते बताएंगे क्या है, सीरियस बातें कैप्चर कर रही हमारी, ठीक है। भाग्या बहुत अच्छा है और कुछ जॉब के चांसेस भी पूरे पूरे हैं। सड़क पे कोटोरा में करके फोटो खींच इसका। हेलो 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 करो, हेलो करो ब्लॉग में। हेलो गाइस, बोल दीदी के चैनल को, दीदी के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू। पसंद मिले सारे खाते बिल्कुल बोल, कोई वीडियो में आ रही नहीं, इसमें नहीं दिख रही। अभी हम आए जापानी तोड़ने, यहाँ खाएंगे हम जो पानी, कहाँ गुम हो गई। चलो लंबी लड़की देखो आप, पक्की पक्की जापानी कहाँ दिख रही है। गाइज हमें ना शादी में जाने के लिए बोल रहे हैं, पर हम तैयार हुए हैं पर शादी के लिए नहीं, फ़ोटो खींचने के लिए मंदिर में, क्योंकि ना शादी में जाने का मन नहीं है, क्योंकि अगर हम शादी में गए तो हम बहुत ज़्यादा थक जाएंगे और फिर कल हम कैसे घूमेंगे दशहरे में, है ना। सब हम जा रहे हैं परे, अंदर फेंक दिया पूरा धूड़ा हो गया। तो अभी हम जा रहे हैं प्रीति जी से मिलने, अभी उसके बाद निकलेंगे हम डायरेक्ट झकड़ी नाना जी के पास एंड कल का देखते हैं क्या प्लान बनता है। वैसे तो लाहौल जाने की सोच रहे हैं, अब देखते हैं क्या बनता है। हेलो एवरीवन, हाय हेलो करो, रूही बढ़िया, रूही हेलो करो, देव देव देखो मैं बोलूँ उसकी आवाज कितनी चेंज हो गई, ऐसे मर्दों की तरह से यहाँ बोल सरा, हेलो हेलो थोड़ी और जोर से करो ना, थोड़ी थोड़ी सी जोर से करो तब आ लगी, एक बार एक बार और मेरी थोड़ी और जोर से करो, देखो बच्ची का हक छीन लिया है। वो उनके घर आया ना और हमने तो तंदूर निकाल कर रखा, सर्दियों में लगाते हैं, अंजलि पहली बार तंदूर देख रही है, आप लोग भी देख लो, ये है तंदूर, हमारी सर्दियों का सहारा, हमारा सर्दियों का सहारा। अंजलि बोलती है ये क्या है, क्या है ये अंजलि, तंदूरी चिकन, this is guys tandoori chicken, you can eat it everywhere, you can eat it every winter, sab log alag hai, meri wahan pe nahi hota aisa, meri wahan pe aisa hota hai, inke wahan aisa hota hai aur aisa wala na thoda bada hota hai, un beer bhi wahan pe aise beer bhi hote hain, ye engagement ka hoga bacha hua, pee nahi tumne, pee le, no no chala ja nani se milke aata hai।
ले लो सूट ले लो। नानी हेलो करो। हेलो हाय। अब हम जा रहे हैं पतलीकूड़ा। मम्मी और नानी हमने आगे गाड़ी भेज दी और हम बच्चे बच्चे जा रहे हैं अभी। आराम से हम बच्चे बच्चे जा रहे हैं अभी पतलीकूड़ा तक। निकली है। कहाँ जा रहे हैं? गाइस मैं आपको देव का हुडी दिखाऊंगी, इतना प्यारा लग रहा है। मैं अपने हुडी दिखा यार, हीरो दिखा इधर, अपनी बैक भी दिखाओ। नहीं बैक नहीं, अभी बैक ये चलो देव देख लो, ये पुशअप पुशअप बैक आएगी फिर इसकी। इतना प्यारा हुडी, मैं तो ऐसी थी कि ऑनलाइन दिया है तो लिया है, तो मुझे लिंक भेज। देखो गाइस ये अभी स्टार्ट हो गया, इतना बन चुका है। जब मैं पिछली बार आई थी तो बिल्कुल भी नहीं था, अब इतना हो गया है ना रुई। चलो अब हम अंदर जाएंगे, अब मैं आपको दिखाती हूँ अंदर देख रहे हैं सब। अभी माय रूम और जो मैंने सोचा था वो अभी सब कुछ कैंसिल करा दिया गया है कि यहाँ पे अलमीरा नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पे साथ में वॉशरूम है तो वो पूरा हो जाएगा, मतलब खराब होने का डर रहेगा। एंड मेरे रूम से मैं व्यू दिखाऊँ आपको। और आगे है खेत ही खेत। मामू भी मिले। मामू हेलो करो। हाय बेटा। ये देखो ऊपर। मामू मुझे कुछ खिला रहे हैं। क्या भी मिला है? हाँ खेल गया। हम देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कभी खा रहे हैं, कभी मंदिर जा रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, घूमती जा रहे हैं, घूमती जा रहा है मजा। अनप्लान्ड सब कुछ, अनप्लान्ड ट्रिप ट्रिप तो नहीं, अनप्रॉम्प्टेड। एज़ नानी नमस्ते भाई। ये मेरी फ्रेंड है। ओहो पैसे ज्यादा हो गए, पैसे ज्यादा हो गए। मैं अपने छालों के लिए आई हूँ लगाने बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा छाले हो गए हैं और ये बी कॉम्प्लेक्स हम खाएंगे नहीं, लगाएंगे, क्योंकि मेरे को बुआ ने बोला कि अगर तुझे खा के असर नहीं हो रहा है तो इसको लगा, और अभी मैं बहुत कड़वा चुस्त आने वाला है पर हम लगाएंगे। कैसे लगाऊं गाइस, इसकी तो स्मेल ही बहुत गंदी है। लुक, ओह माय गॉड, ओके बाय। मैं आप लोगों को नहीं दिखाना चाहती, अब गंदा हो जाएगा बहुत। अंजलि ने इतनी मेहनत करके कोलाज क्लूज बना के फोटो डाला, मम्मी को ग्लिच हो गया वो, मम्मी को दिखाई थी, मम्मी ने पहले ज़ूम किया, तुम लग रही है जो दूर सा फोटो था वो डिलीट भी कर दिया। ये देखो क्या हो गया, इसके कोलाज का बेटी करती तो सजा। क्या आएगी डांस नहीं दे रहा? डी आई डी डी आई डी क्या लगाई है? क्या लगाई है? इंडिया समथिंग, कुछ इंडिया इंडिया वाला नाम भूल गई है ना, इंडिया बेस्ट डांसर। वो तो है पर ये नजर देख रहे हो मेरी नहीं लग रहा, पता मेरे को दिख गया ना इंडिया बेस्ट डांसर, तभी तो पड़ा कसम मेरी नजर है। डी आई की नहीं बोला डांस इंडिया डांस होता है बोला नहीं।
जीप तक कट गई है सर की। मैं सारी रात तकिया करूं। और इन दोनों को देखो बेशर्मों को, इतनी रात को चाय पी रहे हैं। रात हो गई 8-9 बजे। चाय इज लव आंटी। हां चाय क्या चाय? चाय इज लव आंटी। लव है हमारा चाय, हमारा प्यार है चाय। इसको क्या पता आई लव ये दूध वाला। आई लव चाय। आई लव ये दोनों गैंग अप करके मेरी ले रहे हैं गाइस। तो प्लान कुछ ऐसा है, कल देखते हैं हम लोग, अगर हमारे लाहौर जाने का प्लान है, मनाली जाने का प्लान बना तो जाएंगे। नहीं नहीं मैं अगली बार ले जाऊंगी, अगली बार ले जाऊंगी। या तो तेरे को 4 घी की टेंशन पड़ी है, घी तो है मेरे पास बचा हुआ अभी, जो आपने पिछली बार दिया था ना वो नहीं खाया है, क्योंकि मैं सर्दियों में खाती हूँ ना, गर्मियों में कम खाती हूँ, वो घी बचा हुआ है मेरे पास। ये खाती भैंस का घी, देखा मैंने बोला था ना गाय का जो घी खाते हैं वो ऐसा ही करेंगे। ये खाती है सफेद सफेद, इसने मुझे खिलाया ना, मेरे को ऐसा हो गया सफेद घी कैसे, मतलब हमारा सफेद होता है पर पीला घी कैसे खाना, पीला घी गाय का घी पीला घी ना, ये खाते भैंस का घी सफेद। भैंस हमारी माता है, गाय हमारी माता है, गौ माता ही होते है हिंदू लोग, गौ माता को गौ माता बोलते हैं। तो भाई भैंस देवी गौ माता कहकर पूछते हैं भाई, गलत बोलता गौ माता, गौ माता नहीं होती। भैंस का दूध नहीं पीते आंटी आप? भैंस का दूध बड़ा टेस्टी होता है। मेरा रिएक्शन बस यही रिएक्शन था मेरा। तुम लोगों को जिंदगी का क्या ही नहीं पता यार। सुन तेरी नानी का ले, हाँ जी क्या बोलो नानी बोलो। हम गौ माता की सेवा करते हैं, सुबह उठ के हम घास देते हैं, गौ माता की सेवा करते सुबह के घास देते हैं, दूध निकालना तब भैंस माता की दिया मैं ऐसी करते हैं नानी नानी से। वो भैंस माता कभी सुना गाइस? आप लोगों ने भैंस माता सुना कभी? गौ माता ही गाइस ये मुझे बोलने दे, मैं बाद में बोलती हूं। शशि आ गई, मेरी लंबू आ गई। हेलो करो लंबू। हेलो गाइस, शादी में जी दीदी के साथ मिलो। हेलो दीदी। हेलो।